नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही असरदार आसान घरेलू उपाय बताऊंगी डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से परेशान होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आसान से उपाय बताए जाए जिसकी वजह से आपको काफ़ी आराम हो सकता है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि डायबिटीज़ है इसलिए आपको मीठे का सेवन तो कम से कम करना है, पर अगर आपको कुछ खाने का मन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए, साथ ही साथ हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। इस तरह के पदार्थ से आपके शरीर में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता आती है और आपका जो शरीर है वो हेल्दी भी रहता है। इसलिए हो सके उतना फाइबर खाइए और हरी सब्जियों का भी सेवन करिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दालचीनी जो होता है वो भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए काफ़ी मददगार होता है। इसकी वजह से आपके शरीर में जो इंसुलिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए दालचीनी का सेवन अगर आप अपने खाने के साथ करेंगे तो भी अच्छा है, या फिर आधे चम्मच दालचीनी के पाउडर को एक कप पानी में मिला लीजिए और इसे पी लीजिए। इसका सेवन आप चाहे तो रोज़ाना एक गिलास कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि जो मेथी होती है वो भी आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मेथी में भरपूर ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, इसलिए मेथी क्या करती है आपके शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे बढ़ाती है और आपका जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल में रखती है। तो इसलिए अगर आप मेथी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसके लिए आपको मेथी रात को भिगोनी है और उसे सुबह उठकर चबाकर खानी है, उसके पानी को भी पीना है, या फिर मेथी के पाउडर को बना लीजिए और इस पाउडर को आप रोज़ाना दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों ये थे आसान असरदार घरेलू उपाय डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो मैं एक बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।